ईद के तमाम दिनों में हमारा तमाम स्टाफ जो है वो इस प्राइम फोकस के साथ यहाँ मौजूद होता है कि ईद लोगों की पुरसकून पुरमन गुजरे। अपनी अम्मा की फिरनी को मिस नहीं कर रहे आप यहाँ ऑफिस में? मैं साथ ले आया हूँ, साथ ही ले आया, दोस्तों के लिए भी लेके आए। इतनी तारीफों के लिए थैंक यू मैम। अच्छा मुना बताएं कि ईद सेकंड डे आपका कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, घर के बगैर ऑफिस में कैसा फील कर रही है, ईद कैसी गुजर रही है? मैं पिछले 5 सालों से ईद पे ड्यूटी ही कर रही हूँ तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। कि ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे, एक नहीं दो नहीं ऐ वतन तुझको ईदे हज़ार देंगे, ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे। 2 लाख ने जो अवाम ले ड्यूटी कर रहे ने, 1500 दे करीब ने जो शहीद हो गए ने, ते नाल चोरा डाकुआ दे रहिंदे असी लड़दे, रातां नूं भी जाके ड्यूटियां वा करदे, अवाम खातर कट लैंदे सब भी खुआरियां, ईदां ते शबरातां कदे घर ने गुजारियां। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए लेके आते हैं लेकिन उसको खाते नहीं? आज पता लग जाता है जी कोमल कितनी ज़हीन है। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। क्या बात है जनाब, आपके लिए खाने के लिए काफी कुछ लेके आया हूँ, घर से बनवा कर, अम्मी से बनवा कर लेकर आया हूँ, और ईद का दूसरा दिन काफी अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शारिक और मैं हूं ताहिर अली राना, और आप तमाम लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। ईद का ये दूसरा दिन आपके लिए बहुत खुशाइन साबित हो, और आज हम मौजूद हैं PPIC 3 में, और यहाँ मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान से जानते हैं कि वो शहर और शहरियों की हिफाजत कैसे कर रहे हैं ईद के साथ साथ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर कम्युनिकेशन तौसीफ सभी साहब, जो कि मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ईद यहाँ पे कैसी गुजर रही है, क्या वो महसूस करते हैं, क्या उनके जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ईद का सेकंड डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, आप लोगों को भी ईद मुबारक हो, तमाम IC 3 को, हमारे देखने वालों को, और ख़ास तौर पर पुलिस को ईद बहुत मुबारक हो, जो तमाम ईद अपनों से और अपने घर वालों से दूर और आवाम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए गुजारते हैं। यही सूरत हाल है IC 3 में, जैसे आपने देखा ईद के तमाम दिनों में हमारा तमाम स्टाफ जो है वो इस प्राइम फोकस के साथ यहाँ मौजूद होता है कि ईद लोगों की पुरसकून पुरमन गुजरे, और यही काम हम भी कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि मीडिया जो है, जो जर्नलिज्म है, उसमें कोई छुट्टी नहीं होती, ये 24/7 का काम है और 365 डेज अ ईयर का काम है। तो हम भी क्योंकि मीडिया से डील करते हैं, अखबार और टेलीविज़न जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये हमारा वेब चैनल काम कर रहा है, जिस तरह से हमारा रेडियो काम कर रहा है, हमारा MMC काम कर रहा है, तो हम सब यहाँ मौजूद हैं, और यही हमारी एक फैमिली है जिसके साथ हम अपने तमाम जो खुशी के लम्हात हैं वो गुजारते हैं। सर एक्चुअली मेरा आपसे सवाल भी ये था कि देखा गया है कि इस तरह के ओकेजंस में मीडिया सेल्स पे खासा दबाव होता है, मीडिया डिपार्टमेंट से खासा दबाव होता है, और ये अब ठीक ठाक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सर इसके बारे में, क्योंकि आप काफ़ी सालों से मीडिया से व्यवस्था हैं, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें जिस पर वाकई लगा हो कि यार ये ओकेजन जो है ये अब टफ साबित हो रहा है हमारे लिए, चैलेंजिंग मोमेंट सर याद है कोई? असल में जुबैर, चैलेंजिंग मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, और जैसे पुलिसिंग में आप पुलिस के इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, इस तरह पुलिसिंग में आपको यू नेवर नो कि आज शाम को, आज दोपहर को क्या होने जा रहा है या कल सुबह कैसी होगी, इसी तरह से मीडिया का भी यही काम है। जिस तरह से आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट जो है उसकी काविशें भी इसमें शामिल हैं, पुलिस की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कुर्बानियाँ हैं। अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो हमारे यहाँ टेररिज़म जो है वो मौजूद थी, और हम तब रिपोर्टिंग किया करते थे, तो कई बार ऐसे मौके हुए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया और सब लोग उससे दूर भाग रहे हैं, और हम लोग हैं जो मीडिया में रिपोर्टिंग करते हैं, या जो पुलिस है, या जो एम्बुलेंसेस का स्टाफ है, वो उस तरफ दौड़ रहा है जिस तरफ हादसा हुआ है। तो ये ज़िंदगी में कई बार ये देखने पर आया, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो जो पीरियड है डेट्स ओवर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर हमारे सूबे और इस शहर में अल्लाह ने बहुत करम किया, पुरअमन तौर पर हम अपने सब रोज़ गुजार सकते हैं। और मैं दोबारा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करूँगा, ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि वो अपनी खुशी और अपने गमी के तमाम दिनों में अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं जिस तरह से आज है। अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे मौजूद है सारे के सारे। सर एक लाइटर नोट पर सवाल करना चाहूँगा, ईद का दिन हो और घर में मीठा ना बने, ऐसा सर वैसे कम सुना गया, तो सर आपके घर आज क्या मीठा बना होगा?
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ये तो वैसे भी मीठी ईद कहलाती है। तो मेरी अम्मा हलवा बड़ा अच्छा बनाती हैं और वो एक कौन सा सर दूध का हलवा होता है लेकिन वो दैट्स यूनिक, मुझे नहीं पता कि उसको जो किसी कुक की ज़ुबानी क्या उसके कहेंगे उसका क्या नाम होगा, मुझे तो अपनी अम्मा का हलवा ही मालूम है कि वो बनाती हैं दूध को काफ़ी ज़्यादा पका के उसमें से वो बनता है सूजी का, लेकिन वो बहुत लजीज़ है और मुझे तो आदत है कि हर ईद पे ईद की नमाज से पहले वो खा के हम जाते हैं। चलें सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मैम, बहुत वेलकम जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुहेल, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो हैं वो मेरा ख्याल से लाहौर से नहीं है जी? मैं शेखुपुरा से हूँ। आप शेखुपुरा से हैं, ऐसा मुझे बताएं कि शेखुपुरा में जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ईद सेलिब्रेट की जाती है या बिल्कुल सेम तरीके से ईद सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि आप अभी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं, तो आप ईद वहाँ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं अगर आप अपने घर होते तो? घर में तो ऑब्वियसली घर वालों के साथ शुरू का दिन गुजरता है पहला दिन, और दूसरे दिन फिर रिलेटिव्स वगैरह की तरफ जाते हैं, फिर तीसरे दिन प्लान बनता है दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो कहीं या किसी के घर पे बैठ के ईद सेलिब्रेट करनी हो। आजकल तो वैसे ज़रा बाहर के हालात टाइट हैं कोरोना की वजह से, तो ज़्यादातर यही होता है कि यहाँ किसी करीबी दोस्त की तरफ चले जाते हैं या कोई आ जाता है तो उनके साथ गपशप हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं सुहेल, मीठा तो लाजमी पकता होगा ईद के पहले दिन आपके घर? ऐसे ही है, फिर नहीं बनती है। फिरनी बनती है, इसके अलावा कोई और मीठा बनता है जो कि मेहमानों को खिलाया जाए या स्पेशली फिरनी बनती है? मीठे में फिरनी ही बनती है और लेकिन साथ में दही बड़े वगैरह फिर नमकीन में। तो फिर आज अपनी अम्मा की फिरनी को मिस नहीं कर रहे आप यहाँ ऑफिस में? मैं साथ ले आया हूँ, साथ ही ले आया हूँ, दोस्तों के लिए भी लेके आए। अच्छा जुबैर, अभी हमारे पास मैमूना मौजूद हैं ओएमसी डिपार्टमेंट में, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है और यूनिफॉर्म के बगैर आज रंगीन कपड़ों में बड़ी हसीन लग रही है ये, इस हुस्न का राज भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि ईद कैसी गुजर रही है जी। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम सलाम, और इतनी तारीफों के लिए थैंक यू मैम। अच्छा मुना बताएं कि सेकंड डे आपका कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, घर के बगैर ऑफिस में कैसा फील कर रही हैं, ईद कैसी गुजर रही है? मैं पिछले 5 सालों से ईद पे ड्यूटी ही कर रही हूँ तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, मतलब पिछले 5 सालों से ऐसा ही चल रहा है और ईद मेरी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की हैं आप? हाँ जी मैं लाहौर की हूँ। अच्छा फिर लाहौर वालों पर जो एक जिम्मेदारी मजीद आयद हो जाती है कि आप जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए भी कुछ पका के लाती हैं? मैं ऐसा या बातों से दिल बहला देती हूँ। हाँ तकरीबन बातों से ही दिल बहलाती हूँ क्योंकि ऑफिस आने का ही टाइम मिलता है तो जल्दी से बस ऑफिस आ जाते हैं, कुछ बना के मैं नहीं लाती। मतलब मैं उम्मीद नहीं करूँ आज कि आप मुझे कुछ खिलाएंगी? मेरी दोस्तें ज़रूर लाई हैं, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर बच गया तो इंशाल्लाह। ज़ाहिर आपको पता है कि इस वक्त हम उस पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के पास खड़े हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये IC3 की बड़ी मकबूल शख्सियत है, हर दिल अजीज़ हैं, इन्होंने बहुत सारे ओकेजंस में यहाँ परफॉर्म किया है और ये भोले के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन राना मोहतशिम आफ्ताब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद कैसे गुजरी है आपकी? ईद बस ड्यूटी के साथ गुजर रही है, ये भी फैमिली है, एक फैमिली को घर में छोड़ा हुआ है, दूसरी फैमिली के लिए आए हुए हैं ईद पे, और हर साल ही आते हैं ताकि हमारी वजह से जो बाकी सारी फैमिलीज़ हैं वो अच्छी ईद गुजार सकें। इस वक्त मुझे बताएं आपके इमोशंस क्या हैं इस ईद के दूसरे दिन पे, क्या जज्बात हैं आपके? अपने जज्बात को मैं कुछ अल्फाज के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, एक और ईद अपनी धरती पर वार देंगे, एक नहीं दो नहीं ऐ वतन तुझको ईदे हज़ार देंगे, ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, मेरे मुल्क के हो बच्चे बूढ़े जवान या माएँ, खून अपने जिगर का देकर गुलशन निखार देंगे, दहशत फैलाने वालों हम तुमको मार देंगे, ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे, एक दो नहीं ऐ वतन तुझको ईदें हज़ार देंगे। अच्छा सुबह मैं क्या बताती चलूँ कि हमारे पास जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, उन जहीन लोगों में से अभी हमारे पास फारूक भाई मौजूद हैं जो बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं, तो क्यों ना आज ईद के मौके पे कुछ चंद अशार उनसे सुन लिया जाए? ज़रूर ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, सबसे पहले ईद का सेकंड डे आपको बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया, आपको भी। कैसी गुजरी है ईद ऑफिस में? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश करता हूँ। तो चले हमारे ऑडियंस को थोड़ी सी जरा अपने चंद अशार अगर आप सुनाएं। जी बिल्कुल, एक पोएम लिखी है जो कि जिसमें कोशिश ये की गई है कि पुलिस वालों के जो फीलिंग्स हैं या जो उनके जज्बात हैं आवाम के बारे में वो उन तक पहुंचाए जा सके, तो ये बेसिकली एक मुकालमा है निशई और पुलिस ऑफिसर के दरमियान। तो उसके कुछ एंडिंग और थीम मैं आपको बता देता हूँ कि निशई जो है वो पुलिस वालों पर जब इल्ज़ाम लगाता है तो
आगे से पुलिस ऑफिसर उस निशई को क्या जवाब देता है? वो कहता है मतलब अपना हासिल करन दे वास्ते अवाम विच मायूसियां फैलाना गल ठीक नहीं, मिसाल दो चार काली भेड़ां दी दे के इल्ज़ाम सारे महकमे ते लाना गल ठीक नहीं, 2 लख ने जो अवाम लई ड्यूटी कर रहे ने, 1500 दे करीब ने जो शहीद हो गए ने, ते नाल चोरा डाकुआं दे रहिंदे असी लड़दे, रातां नूं भी जा के ड्यूटियां वा करदे, अवाम खातर कट लैंदे सब ही खुआरियां, ईदां ते शबरातां कदे घर ने गुजारियां, ते दहशतगर्दी दे हमले कई साडे उत्ते होए ने, ज़ाहद महमूद गोंदल जे अफसर असा खोए ने, लड़े पूरे दिल नाल हौसला नहीं हारिया, शेर कैप्टन मुबीन जे आवाम उत्तों वारिया, ते ज़ियाउल्ला हाँ सानू हाली तक याद है, भुलिया ना फिदा हुसैन नादल शमशाद दे दिल ते जो जख्म लगे किवें वहाइए जी, ना लाया लै के शहीद किन्ने कु गनाइए जी, गल्लां ओ दसियां जो असल विच बीतियां, नाल असा आवाम दे वफावां इंज कीतियां। जी अभी हमारे पास कोमल मौजूद हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, यहाँ पे ओएमसी में ड्यूटी परफॉर्म करी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ईद यहाँ पे कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे बताएं। पहले तो ईद का सेकंड है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ कि आप लाहौर के हो? जी नहीं, मैं लाहौर की नहीं, डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। अच्छा कसूर से हो, तो मुझे बताओ घर से दूर यहाँ पे आप हो भी नहीं लाहौर के, तो कैसा फील होता है लाहौर घर से बाहर ईद करना? घर से दूर ईद करना होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमें मज़ा आ रहा है। ऊपर स्टॉल्स भी हमारे कैफे में स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, खाने पीने का। अच्छा खाने की भी फुल अरेंजमेंट है, खाने का इशू नहीं होता। तो जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे लाहौर वाली वो इस तरह से करती हैं, खाने के लिए कुछ लेके आती हैं, सवैयाँ खाई हैं आपने अभी? जी हमारे इधर लाहौर की जो फ्रेंड्स हैं वो ले आई हैं, कुछ डिफरेंट डिशेज लेकर आई हैं, खीर लेकर आई है, सवैयाँ लेकर आई है, हमने सब ने मिलकर खाई है। हाँ घर की याद बहुत आती है, लेकिन फिर ये है कि वो ड्यूटी भी ज़रूरी है। जी अच्छा मुझे सुना है मैंने कोमल आप बड़ी ज़हीन है, तो छोटा सा इम्तहान ना ले लूं, रेडी है? जरूर। अच्छा एक छोटी सी पहेली है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए लेके आते हैं लेकिन उसको खाते नहीं? आज पता लग जाता है जी कोमल कितनी ज़हीन है। खाने के लिए लेकर आते हैं लेकिन उसको खाते नहीं है, खाने के लिए लेके आते हैं लेकिन खाते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, आज पता चलेगा कि कोमल कितनी ज़हीन है। खाने के लिए लेकर आते हैं लेकिन खाते नहीं, चम्मच। वेरी गुड जनाब, कोमल ने आज साबित कर दिया कि वो एक बहुत अच्छी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी हैं। अच्छा ज़ुबैर अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजे इकरा, वन एंड ओनली, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और आज काले जोड़े में क्यामत ढा रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो पूछते हैं कि इनकी आवाज़ का क्या राज है और हमारे ऑडियंस से आज क्या ईद के मौके पर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं आज आप काला जोड़ा पहना हुआ है किसकी फरमाइश पे? नहीं फरमाइश किसी की नहीं थी, बस मेरा दिल चाह रहा था, अपना दिल चाह रहा था, ये अपनी फरमाइश पे काला जोड़ा। बिल्कुल अपनी फरमाइश। अच्छा आज मुझे बताएं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इस आवाज़ का क्या राज है? आवाज़ का राज, आवाज़ तो बस अल्लाह की देन है। बचपन में कोई रिहर्सल नहीं या कुछ इस तरह से? रिहर्सल एज सच नहीं, लेकिन ये था कि कुछ कहने के हमारे जेनेटिकली हमें मिली हुई विरसे में मिली हुई हेरिटेज है, और उसके अलावा दूसरी बात ये कि बचपन से ही शौक भी था, तो वो इम्प्रूवमेंट आती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ। पर एफएम में कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है आपका ईद के दिन, क्या जो है वो लोग आपसे? बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईद का दिन जो है वो अपने लिसनर्स के साथ स्पेंड करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी आप लोग भी आ गए तो कुछ गाना गुनगुनाएंगी, कुछ सुनाएंगी हमें आप? हाँ जरूर सुनाऊंगी। मैंने सुना ये टप्पे भी बड़े अच्छे इनको आते हैं, आज टप्पे भी सुनते हैं, वो भी सुन लेते हैं इनसे। चलें एक आधा टप्पा सुना देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और देखते हैं। जरूर प्लीज प्लीज। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। क्या बात है जनाब, क्या बात है, वाओ क्लैपिंग। अब के गाना अगर आप सुनाना चाहें तो? हाँ गाना मैं अपने ड्रेस की मुनासिबत से। अगर जी जरूर जरूर। गाना आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं? डेडिकेट तो आप सबको, हम सबको। हाँ ठीक है चले ज़ुबैर, हमें गाना डेडिकेट किया जा रहा है जनाब, जरूर आओ प्लीज कैरी ऑन। कमीज तेरी काली ने सोने फूलां वाली, कमीज तेरी काली ने सोने फूलां वाली,
हो भावें वसे तो वलैत असा करणी नी रैत भावें वसे तो वलैत असा करणी नी रैत तेनू लैके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली। वाओ वेरी नाइस क्लैपिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ुबैर, अब नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त हम पुकार 15 डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और जानते हैं कि ईद वाले दिन लोग किस किस्म की कॉल्स करते हैं। और तायरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे भी पूछने जा रहे हैं, बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, इनका नाम है इकरा। और इनके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि इनसे बात करने से पहले कहा जाता है कि आप कोई 10 दफ़ा तो सोच लें, तो क्या आपने सोच लिया है कि आप इकरा से बात करने? मैंने बड़ी जुरत करके जसारत करके जो है वो इकरा से बात करने की ठान ली है। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा, क्या हाल? अस्सलाम अल्लाह का शुक्रिया। सबसे पहले आपको ईद का सेकंड डे बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद बहुत मुबारक हो। तो क्या आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि ईद वाले दिन आपको किस किस्म की कॉल्स मौसूल होती हैं? नॉर्मली जिस तरह की कॉल्स आम दिनों में होती हैं, या ईद वाले दिन कुछ स्पेशल किस्म की कॉल्स आती हैं? ईद वाले दिन कुछ स्पेशल आती हैं, लाइक ईद विशेज आ जाती हैं। अच्छा, लोग ईद विश करते हैं? ईद विश करते हैं, बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग ऑफर करवाते हैं, सवैयाँ खा लें आप, इस तरह की ईदी तो नहीं किसी ने मांग ली, ईदी मांग लेते हैं, कुछ देने की भी बात कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स से, कि बच्चों से आप जो है मोबाइल दूर रखें, कि बहुत सी ज़्यादा फेक कॉल्स आती हैं यहाँ पे। मतलब जो ज़रूरी कॉल होती है, हाँ, वो साइड पर हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है जेन्युइन कॉल्स में। ज़ुबैर, अभी हमारे साथ फ़खर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ईद का सेकेंड डे वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितना इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और फ़खर है भी लाहौर से, ये भी पूछते हैं कि लेके क्या आए हैं हमारे लिए आज? आपके लिए खाने के लिए काफ़ी कुछ लेके आए हैं, घर से बनवा कर, अम्मी से बनवा कर लेकर आए हैं। और ईद का दूसरा दिन काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, जैसे सबका चल रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ फैमिली से दूर हैं, मतलब फैमिली सब घर में इन्जॉय कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो बस। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे काबिल पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के साथ जो कि आइडियाज़ की दुकान है। अगर ये पुलिस ऑफिसर ना होते तो डेफिनेटली बिजनेसमैन होते, और शायद इनका फ्यूचर में बिजनेस करने का ही प्लान होगा। तो आइए हम आपकी बात करवाते हैं मकसूद हुसैन से, जो कि बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, और पूछते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम मकसूद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच शारिक, आपने मेरे बिजनेस पॉइंट को उजागर किया, आई अप्रिशिएट। ईद का दूसरा दिन कैसे गुजर रहा मकसूद आपका यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन, हम अभी भी अपनी जॉब पे हैं और कौम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा मकसूद, अभी हमें पता लगा है कि आपकी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो जब घर से निकल के आप आ रहे थे ड्यूटी पे ईद वाले दिन, तो भाभी के क्या तासुरात थे? ऑब्वियसली न्यूली मैरिड हूँ, तो वाइफ चाहेंगी कि वो मेरे साथ ईद स्पेंड करें, तो मैंने उनसे शादी से पहले ही कह दिया था कि माय जॉब कम फर्स्ट एंड आई सर्व माय कंट्री, वेदर इट्स ईद और रूटीन डे आई विल। और वो इस चीज़ को बखूबी समझ गई थी? शुरू में उन्होंने हैरानी का इजहार किया, कि यार ये इसकी नई नई शादी हुई है और ये अभी से क्या बातें कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि यू नो द कंट्री शुड कम फर्स्ट, वी हैव टू सर्व पब्लिक। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान ने कितनी मज़े मज़े की बातें की हमसे और कितना पुरजोश तरीके से ईद का दूसरा दिन गुजारा। आप भी अपने घर में रहिए, इस मीठी ईद को घर में रह के एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ मुझे और तहरा को दीजिए इजाज़त, सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ, अलविदा।